और भाई क्या हाल है। तो ये है लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस 11 का एक्सटेंडेड वर्जन मी 11X एंड पोको F3 के लिए। एंड इसका अपडेट भाई काफ़ी टाइम बाद आया तो सोचा इसको ट्राई करते हैं। वैसे स्पार्क ओएस का भी अपडेट आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आपको कल मिल जाएगी। बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कम्युनिटी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोन पेज में कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा, ऑक्सीजन ओएस 11 की वाई आने वाली है, डिवाइस नेम कोना मिलेगा और मेंटेनर हीलर आपको मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन 11 बेस्ड है और यहां पे जो आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट मिलता है वो मार्च 2022 से अपडेटेड है, जो कि एक साल पुराना है। उसके बाद यहां पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट देख सकते हो, 2021 से अपडेटेड है। और यहां पे जो कर्नल है बाय डिफॉल्ट पर्फ का है और यहां पे जो आपको बिल्ड नंबर मिलता है उसमें O2 एक्सटेंडेड एडिशन लिखा है। बाकी आप यहां पे जो है ऑक्सीजन ओएस वर्जन भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले डिवाइस आपका यहां पर सर्टिफाइड मिलेगा, वाइड बैंड L1 है, गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग नहीं मिलती। ये मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है 33 वॉट से। रोम को जब मैंने नॉर्मली यूज किया तो यहां पे जो कंजप्शन है ना वो मैं आपको अगर दिखाऊं तो अराउंड 11% पर आर के आसपास एक्टिव रेन एंड जो आइडियल रेन है वो काफी कम है, डीप स्लीप वर्किंग है। एंड अगर आप यहां पे सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ देखना चाहते हो तो 20 मिनट तक मैंने इसको रन किया और यहां पे ना अराउंड 9% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। एंड जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो यहां पे शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय द वे रोम में आपको थर्मल प्रोफाइल्स भी मिल जाते हैं जिनको मैंने यूज कर लिया था इनको टेस्ट करने के लिए, और ये गीकबेंच 6 के स्कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं एंटूटु बेंचमार्क स्कोर की तो 6,93,000 के आसपास आपको स्कोर्स मिल जाते हैं और वाईलैब टेस्ट के स्कोर्स आप यहां पे देख सकते हो। अब ये रोम एक्सटेंडेड एडिशन है और यहां पे आपको एक्सटेंडेड चीजें काफी सारी मिलती हैं जिसके बारे में जस्ट अभी आते हैं। बट आपको जो स्टॉक कैमरा मिलेगा वो ANX कैमरा है, प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और यहां पे 4K 30 FPS आपका वर्किंग है, अल्ट्रा वाइड वर्क कर रहा है, 2x वर्क कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड भी वर्किंग है एंड यहां पे भी सारे ऑप्शंस आपके वर्क करते हैं। बाकी आप LMC 8.4 ट्राई कर सकते हो भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे लेंसेज वर्किंग है, आप जो स्लो मोशन वीडियोस 1/8x तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड यहां पे 4K 60 FPS का ऑप्शन है। बाकी अल्ट्रा वाइड वगैरह सब कुछ आपका यहां पे वर्क करेगा। जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है चलो बात करते हैं। तो अगर आप क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करते हो तो कोई लैग वगैरह आपको नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये काफी स्नैपी है। और अगर हम ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन को देखें तो भाई एज ऑफ नाउ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी जितना मैंने इसको यूज किया है। बट हाँ, जब मैंने ना ट्राई कर रहा था तो मैं यहाँ पे ना ऐप्स को दोबारा ओपन करने की कोशिश कर रहा था ना तो थोड़ा सा माइनस स्टटरिंग मेरे को फील हो रहा था। बट ओवरऑल रोम काफी स्मूथ है, बट समटाइम्स आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाएंगे जब आप ऐप्स को दोबारा ओपन करोगे। आप यहाँ पे छोड़ा देख भी सकते हो, यहाँ पे ना माइनर सा फ्रेम ड्रॉप होता है जब आप जो है सेकेंड टाइम इसको सेम ऐप को दोबारा ओपन करते हो बेसिकली। और लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स है इसकी मैं ऑप्टिमाइजेशन चेक करवा देता हूँ तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। यहाँ पे स्क्रोलिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ सा देखने को मिलता है। बाकी रैम मैनेजमेंट वगैरह का भी इशू आपको नहीं आएगा। एक्सटेंडेड एडिशन है और यहाँ पे एक्सटेंडेड के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक एडवांस्ड में आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, फोर्स पे कर सकते हो, आप ऑटो पे भी कर सकते हो एंड ये कलर कैलिब्रेशन के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है J1+ टूल्स नेम से और इसमें रूट की परमिशन ग्रांट करनी होगी। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स है, क्विक सेटिंग को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, एनिमेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, देन डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा, वाइब्रेंट कलर इफेक्ट आपको मिलेगा और स्टेटस बार के अंदर आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो ऑक्सीजन ओएस 11 के अंदर होते थे। और वॉलपेपर के नाम पे काफी सारे वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे, नूबिया रेड मैजिक के वॉलपेपर्स हैं, बाकी कुछ 1+8 सीरीज के हैं, कुछ स्टैटिक वॉलपेपर हैं। और इस रोम में भाई आपको साइबरपंक 2077 का थीम देखने को मिलता है और साथ में मैक्लारेन का भी आपको थीम मिलेगा, तो ये मैक्लारेन एडिशन भी आप मान सकते हो और साथ में साइबरपंक एडिशन भी आप बोल सकते हो। एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह वर्किंग है, होराइजन लाइट है, यहां से डायरेक्टली आप इसको इनेबल कर सकते हो बट कुछ फीचर अगर आप इनेबल करोगे तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे रीस्टार्ट हो जाएगा। यहां पे एक्सेंट कलर है, सिस्टम आइकॉन्स आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे मैक्लारेन का भी आइकॉन पैक है, साइबरपंक का आपको ऑप्शन मिलेगा और जो फॉन्ट्स है ना वो तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। सो काफी सारे फॉन्ट्स यहां पे इंक्लूड किए गए हैं। बाकी बूट एनिमेशन साइबरपंक का लगा सकते हो, मैक्लारेन का ऑप्शन है, मॉड क्विक सेटिंग स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा जिसको मैं ट्राई कर लेता हूं एक बार कैसा ये जो है आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। सो यहां पे कुछ ऐसा आपको जो है ये मॉडेड देखने को मिल जाता है क्विक सेटिंग पैनल, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नीचे भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ब्लरीनेस वगैरह को, ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, लाइक क्विक सेटिंग्स में भी आपको ऑप्शन मिलेगा और यहां पे वॉल्यूम स्लाइडर में भी ऑप्शन मिलेगा, तो ये सब चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस
वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में साइबरपंक का साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और इसके लिए डिवाइस को रीस्टार्ट करना होगा। सिस्टम साउंड्स है, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स में डॉल्बी एटमॉस शाओमी वाला आपको मिलेगा। एंड बटन एंड जेस्चर्स की बात करें तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, डबल टैप टू वे का ऑप्शन वर्किंग है। और यहां पे ना अगर मैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन की बात करूं तो सारे ऑप्शंस आपको सेम मिलने वाले हैं। फेस अनलॉक वर्क नहीं करता इसमें, फिंगरप्रिंट वगैरह काफी अच्छे से वर्किंग है। और अगर आप यूटिलिटीज में जाओगे तो ऐप लॉकर का ऑप्शन आपको मिल जाता है और आई थिंक ये आपका वर्क करेगा। आप इसको डेफिनेटली ऐप्स वगैरह को ऐड कर सकते हो, पैरेलल ऐप्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा और हाईर एफपीएस का भी ऑप्शन है यहां पे, जो है आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यहां पे ट्राई कर सकते हो। सो जैसा मैंने बताया, कुछ चीजें या फिर कुछ फीचर्स को इनेबल करने के लिए डिवाइस रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। ये इस रोम का लेटेस्ट अपडेट है ना, जो इसका ये चेंज लॉग है, अगर आप यहां पे डेट देखोगे तो इसको आप रीड कर सकते हो, बाकी नीचे वाले भी आप जो है रीड कर सकते हो चेंज लॉग अगर आप जो है रीड करना चाहते हो। अब गेमिंग के ऊपर आए तो भाई गेमिंग के टाइम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 39 डिग्री के आसपास गया मेरा, गेमिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं कर रहा था, तो कहीं भी मेजर मेरे को हीटिंग इश्यूज फेस करने नहीं पड़े। बट एक चीज बता देता हूं, यहां पे बाय डिफॉल्ट 90 FPS तो आपको मिलता है, बट मेरे फोन में ना भाई जो FPS है मैक्सिमम 60 के ऊपर जा रहे थे। अब आई डोंट नो इसका सॉल्यूशन क्या है, बट FPS ना 90 के ऊपर नहीं गया एक बार भी, तो यहां पे ये चीज का आपको इशू में भी आ सकता है। अगर आप ये चीज फेस कर रहे हो इस रोम के ऊपर तो कॉमेंट्स में बताना, बट मेरे को 90 FPS नहीं मिले। अब 60 की वजह से टेम्परेचर काफी अच्छा रहा और जब मैंने यहां पर 20 मिनट तक CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ रन किया था ना, तो जो टेम्परेचर था वो 44 डिग्री के आसपास चला गया था, बट गेमिंग के टाइम में उतना मेरे को नहीं मिला, मे बी बिकॉज ऑफ 60 हर्ट्स। तो यहां पे ना आपको ओवरऑल गेमिंग में परफॉर्मेंस काफी कमाल की मिलेगी। अब 60 FPS के अंदर भाई फ्लॉलेसली काफी कंटिन्यूस आपको जो है ऐसे कंसिस्टेंट वाले FPS देखने को मिलेंगे, कहीं भी मेजर FPS ड्रॉप, कहीं भी हीटिंग इशू या फिर रेम सिस्ट वगैरह के रिगार्डिंग प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई। क्लोज रेंज में भी कहीं मेरे को मेजर FPS ड्रॉप नहीं मिला, तो डेफिनेटली रोम में गेमिंग आप 60 FPS में काफी अच्छी कर सकते हो। अब अगर 90 FPS इनेबल होता तो मैं 90 FPS का रिव्यू भी शेयर करता, बट भाई वो वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।